कॉलोनियों में मंदिर खोला, अदानी दिखे, अंबानी दिखे। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा भैया, आपने राम मंदिर खोला। दूसरा, रोम की संस्कृति में पले पढ़े वे लोग, वे बदनसीब। नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं। अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। इसीलिए तो अवधेश ने इनको पटका है। अवधेश वो है वहां का एमपी, अवधेश कुमार, जो अयोध्या में जीता है। इसीलिए तो जीता है कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा भैया, आपने राम मंदिर खोला। सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले पढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तब तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा, इसीलिए तो हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कड़घरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं।